नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजवरा हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट विशाल। दोस्तों, हर देश की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है जो अपने नाम से बिल्कुल अलग है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड नाम सुनते ही आपके मन में एक ऐसी जगह का ख्याल आता होगा जहाँ चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन ये सोचना गलत है। यहाँ ज्यादा बर्फ नहीं गिरती है। ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस देश की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। आइसलैंड उत्तरी पश्चिम यूरोप में मौजूद एक देश है जिसकी खोज 9वीं शताब्दी में नॉर्समैन कम्युनिटी के द्वारा हुई थी, और ये वही कम्युनिटी है जिसने ग्रीनलैंड की भी खोज की थी। अगर आप ग्रीनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि आइसलैंड उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसकी सरहद जमीनी तौर पर और किसी देश के साथ नहीं मिलती, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश 103,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यूरोप का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 3,50,000 के आसपास है, और ये यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यहाँ के अधिकतर लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी जरूर फटता है, और इससे निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा का उपयोग आइसलैंड की गवर्नमेंट जियोथर्मल एनर्जी बनाने में करती है। आइसलैंड की राजधानी रेजाविक है, और इस देश की लगभग आधी जनसंख्या यहीं पर रहती है, और ये दुनिया के सबसे शांत शहरों में से एक है। शायद इसीलिए यहाँ पर पुलिस ज्यादातर हथियार के बिना ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। और कमाल की बात तो ये है कि आइसलैंड के पास कोई आर्मी नहीं है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल और खुशमिजाज होती है, और इसीलिए आइसलैंड को दुनिया के 5 सबसे खुशहाल कंट्री की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, अमेजिंग बात तो ये है कि यहाँ सूरज डूबता तो है लेकिन अंधेरा नहीं होता, क्योंकि आइसलैंड पृथ्वी के नॉर्थ पोल में स्थित है जहाँ 31 मई से लेकर 20 अगस्त तक रात नहीं होती। यहाँ सूर्य अस्त तो होता है लेकिन उसकी रोशनी बरकरार रहती है। यहाँ पर आपको लोग रात के 3 बजे भी गोल्फ खेलते नजर आएंगे, क्योंकि आइसलैंड में गोल्फ खेलने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। लेकिन इस देश का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है, जिसे यहाँ के लोग खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आइसलैंड को किताबों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बुक्स पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते हैं, और ये वही देश है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बुक पब्लिशर मिलते हैं। यहाँ 10 में से एक इंसान कभी न कभी अपनी लाइफ में बुक पब्लिश जरूर करते हैं, इसीलिए आइसलैंड का लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा, तकरीबन 99% है। और अब बात करें इस देश की करेंसी की, तो यहाँ आइसलैंडिक क्रोनूर चलता है जो भारतीय रुपए की तुलना में लगभग आधा है। और क्या आप जानते हो, आइसलैंड के फ्लैग में भी बिल्कुल हमारे ध्वज की ही तरह 3 कलर्स है। जैसे हमारे देश के तिरंगे में केसरिया रंग बलिदान को, सफेद रंग शांति को, और हरा रंग हरियाली को प्रदर्शित करता है, वैसे ही आइसलैंड के फ्लैग में भी 3 कलर्स हैं, जिसमें स्काई ब्लू कलर माउंटेन को, रेड कलर ज्वालामुखी को, और व्हाइट कलर बर्फ की पहचान है। और इसके साथ ही इस फ्लैग में बना हुआ क्रॉस का सिंबल नॉर्डिक कंट्रीज का है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये नॉर्डिक कंट्रीज क्या है। दोस्तों, नॉर्डिक कंट्रीज और कुछ नहीं, 5 यूरोपियन देशों का समूह है, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क का समावेश होता है। इन कंट्रीज के सभी फ्लैग्स में भी आप क्रॉस का निशान देख सकते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि आपको अपने बच्चे का नाम रखने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़े? नहीं ना, लेकिन यहाँ बच्चों के जन्म के बाद नामकरण करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और यहाँ बच्चों के नाम के पीछे कोई सरनेम यूज नहीं होती, बल्कि सरनेम के लिए पेरेंट्स का नाम यूज किया जाता है। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि हमारे देश में भी ऐसा कोई नियम होता जिससे हम सिर्फ इंसानियत के नाम से पहचाने जाते, ना किसी धर्म या जाति के। दोस्तों, आइसलैंड में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की जनसंख्या और प्रभुत्व दोनों पुरुषों से ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विंगडिस फिनबोगा डोटिर, जो कि दुनिया की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी। दोस्तों, आपने कई तरह के म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन आइसलैंड का फेलोलॉजिकल म्यूजियम दुनिया का एकमात्र म्यूजियम है जिसमें मनुष्य सहित 280 प्रकार के अलग अलग प्रजाति के लिंगों को संग्रह करके रखा गया है। दोस्तों, क्या आपको रात को मच्छर सोने नहीं देते, तो आपको आइसलैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आइसलैंड में मच्छरों का कोई नामो निशान नहीं है।
और यहाँ पर एक बहुत क्यूट सी चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम रो पफिन हार्ट है। और हमारे यहाँ आमतौर पर लोग सिर्फ डॉग्स और कैट्स को पालते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कुछ अजीब शौक रखते हैं। यहाँ पर लोग सांप, अजगर, कछुआ और छिपकली पालने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको पालना बैन है। आइसलैंड का 11% भाग ग्लेशियर से घिरा हुआ है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जैसे कि गुलफोस फॉल्स, देती फोस और सवारती फोस। और यहाँ के मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस में ब्लू लगून हॉट स्प्रिंग है। दोस्तों, आप आइसलैंड गए और ब्लू लगून ना देखा तो क्या देखा। माना जाता है कि आइसलैंड के लोग बहुत ही हाइजीनिक होते हैं, वो लोग हाइजीन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, इसीलिए यहाँ किसी भी झरने में जाने से पहले शावर लेना कंपलसरी है। दोस्तों, आइसलैंड में कॉफी के बाद कोको कोला यहाँ के लोगों का मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है। और आइसलैंड विश्व का एकमात्र देश है जहाँ स्कायर नाम की डेयरी प्रोडक्ट बनाई जाती है, जो दिखने में तो दही जैसी ही लगती है, लेकिन इसे मक्खन से बनाया जाता है और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। आइसलैंड में कोई इंडस्ट्री खास है तो वो है फिशिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए आइसलैंड ने कोल्ड वॉर भी शुरू किया था। कहा जाता है कि 1958 में आइसलैंड ने अपना एक अलग फिशिंग जोन बनाया था जहाँ उनके अलावा कोई और देश फिशिंग ना कर सके, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपत्ति जाहिर की थी। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर बहुत लंबे समय तक विवाद चला, लेकिन अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी हार माननी पड़ी। दोस्तों, आपको स्मर्फ मूवी और उसके बोने कैरेक्टर्स को याद ही होंगे। शायद यहाँ के लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ बोने लोग रहते हैं जिनके पास कई तरह की जादुई ताकतें होती हैं। जो भी उनको परेशान करेगा वो उनको अपनी जादुई ताकतों से मार देंगे। दोस्तों, मैं तो सोचता था कि सिर्फ भारत में ही अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन आइसलैंड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे अंधविश्वास को माना जाता है। आपका क्या मानना है? क्या आज भी ऐसे लोगों का अस्तित्व होगा? तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो प्राकृतिक तौर पर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की ऐसी ही एक प्राकृतिक खूबसूरती है नॉर्दर्न लाइट्स, जो पृथ्वी और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से और गैसों के रिएक्शन से बनती है, और जिसके कारण आसमान में रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लू कलर्स की बहुत ही खूबसूरत लाइट्स देखने को मिलती है, जिसे लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।